मार्स या फिर मंगल ग्रह के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा मंगल ग्रह के दो नेचुरल सैटेलाइट्स में से एक फोबोस के बारे में। फोबोस मंगल ग्रह से सिर्फ 6000 किलोमीटर के दूरी में चक्कर काटता है, जो किसी भी प्राइमरी बॉडी के इतने नज़दीक में स्थित कोई भी प्लेनेटरी मून है। मार्स के खुद के चक्कर लगाने के स्पीड से ज़्यादा तेज घूमने के कारण फोबोस मंगल ग्रह के दिन के हिसाब से हर दिन दो बार मंगल ग्रह का चक्कर काट लेता है। फोबोस के बारे में आज जानेंगे ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो शायद आपको मालूम ना हो। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ऐसे ही महाकाश के कुछ मज़ेदार बातें जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरे अगले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए बगल वाले बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। फोबोस का खोज किया गया इट्सन 1877 को एस्ट्रोनोमर SF हॉल के द्वारा, जो डेमोस नाम वाले मार्स के और एक चंद्रमा के खोजे जाने के ठीक 6 दिन बाद था। एटन कॉलेज के विज्ञान विभाग के शिक्षक रहे हेनरी मेडन के द्वारा इसका नाम रखा गया फोबोस, जो कि ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार था। फोबोस का मीन रेडियस 11.2667 किलोमीटर है और इसका मास 1.0659 × 10^16 किलोग्राम बताया गया है। इसमें मास और ग्रेविटी बहुत कम होने के कारण फोबोस में कोई वातावरण का प्रमाण नहीं पाया गया। फोबोस को सौरमंडल के किसी भी वस्तु में से सबसे कम रिफ्लेक्टिव बॉडी में गिना जाता है। डेंसिटी बहुत कम होने के कारण इसका गठन कठिन पत्थर जैसा नहीं होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। फोबोस का ज़्यादातर हिस्सा क्रेटर्स से भरा हुआ है। इनमें से सबसे बड़ा है स्टिकने नामक क्रेटर, जिसका डायमीटर करीब 9 किलोमीटर है और फोबोस के सतह के काफ़ी बड़े हिस्से में फैला हुआ है। इस क्रेटर का नाम स्टिकने रखा गया SF हॉल की पत्नी एंजेलिन स्टिकने हॉल के ऊपर। फोबोस के तापमात्रा के बारे में बात करें तो रोशनी पड़ने वाले हिस्से में तापमात्रा -4 डिग्री सेल्सियस रहता है और ऑपोजिट वाले हिस्से में -112 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रहता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार फोबोस की संरचना एस्टेरॉयड्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स के जैसे ऑब्जेक्ट्स में पाए जाने वाले पदार्थों से नहीं हुई है। उनके मुताबिक फोबोस और डेमोस या तो डस्ट और चट्टानों से बने हुए हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक होने के जैसे हालातों में रहते हैं, या फिर किसी बड़े प्रभाव से मंगल ग्रह के टकराने के दौरान निकले दो टुकड़ों का गठन हुआ, जिसे फोबोस और डेमोस का नाम दिया गया। मंगल ग्रह के सतह से सिर्फ 6000 किलोमीटर के दूरी में फोबोस चक्कर लगा रहा है, जिसके वजह से मार्स के ऊपर स्थित पश्चिम के और आकाश में जब फोबोस उगता हुआ दिखाई देता है, उसके ठीक 4 घंटे 15 मिनट के बाद आकाश के पूर्व वाले हिस्से में डूबता हुआ दिखाई देता है। ऐसा हर मार्शियन डे में 2 बार होता है। टाइडल डीसेलरेशन के कारण फोबोस का ऑर्बिटल रेडियस हर 100 सालों में 1.8 मीटर कम हो रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार 40 से 50 मिलियन सालों के अंदर फोबोस या तो मार्स के साथ टकराएगा या फिर मलबे में परिवर्तित होकर मंगल ग्रह के चारों ओर रिंग जैसे आकार में फैल जाएगा। पृथ्वी के चंद्रमा के जैसे ही फोबोस और डेमोस का एक सतह हमेशा मंगल ग्रह के एक सतह के सामने रहता है, मतलब मंगल ग्रह के सतह से फोबोस का एक ही सतह हमेशा दिखाई देता है। मंगल ग्रह से आकार में छोटा और नज़दीक में होने के कारण फोबोस के सतह के ऊपर बने आकाश के एक बड़ा सा हिस्से में मंगल ग्रह को दिखाई देता है। इन सब कारणों के वजह से भविष्य में वैज्ञानिकों के द्वारा फोबोस और डेमोस के बीच किसी भी एक चंद्रमा में अपना बेस बनाने की तैयारी किया जा रहा है, जिसके चलते वैज्ञानिकों को मार्स के बारे में और भी जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। फिलहाल कुछ मिशंस जैसे कि फोबोस एंड डेमोस एंड मार्स एनवायरनमेंट फुटप्रिंट एवं और भी कई मिशंस भविष्य में लॉन्च किए जाने को हैं। तो दोस्तों, फोबोस का ये सफ़र आज इतना ही। आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। फिर मिलेंगे महाकाश के और एक नए खोज में, तब तक के लिए धन्यवाद।